إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا आज की इस दीनी मजलिस में एक बहुत ही मुबारक मजलिस में हम आज आए हैं और एक ख़ास उन्वान पर इस मजलिस में गुफ्तगू होने वाली है। एक ऐसा मौजू है कि हर मुसलमान के लिए और हर इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो उस शख्सियत के बारे में जाने जो इंसानियत के लिए हिदायत और रहबरी लेकर आए। एक ऐसी शख्सियत जिसने इंसानों को गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ आने की राह सुझाई, एक ऐसी शख्सियत जो अपने कौल और अमल दोनों के एतबार से इंसानों के लिए रहबरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत के लिए अपने कौल और अमल दोनों के एतबार से रहबर हैं। क्या सही है, क्या गलत, क्या हक है, क्या बातिल, अल्लाह को क्या पसंद है, क्या नापसंद, इंसानी ज़िंदगी में कौन सा रास्ता है जिसको इख्तियार करने से इंसान कामयाब होता है, सआदत उसको मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात में ये तमाम बातें इंसानों को बताईं, लेकिन इंसान चाहता है कि कौली तालीमात के साथ साथ एक अमली नमूना भी उसके सामने हो, कोई ऐसा उसको मिले जो अल्लाह की मर्ज़ियात को अपने अमल के ज़रिए करके दिखाए कि कैसे करके अल्लाह को राज़ी किया जा सकता है। चाहे वो इबादात हों, चाहे वो मामलात हों, चाहे वो लोगों के साथ सलूक हो, मस्जिद के मामलात हों या तिजारत बाज़ार के मामलात हों, सफ़र हो, हदर हो, घर की ज़िंदगी हो, घर के बाहर की ज़िंदगी हो, अमन के हालात हों, फितना फसाद और जंग के हालात हों, छोटे बड़े, अमीर गरीब, हर एक से इंसानी ज़िंदगी, इंसानी ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, अगर इसका अमली नमूना इंसान को चाहिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए आपकी ज़िंदगी, आपका अमल, आपका किरदार, आपका उस्वा मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की तलाश में आगे बढ़ने वाले के लिए एक ऐसी शख्सियत हैं कि आपके बाद किसी और शख्सियत की ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। आप उस इंसान की तलब का अंजाम हैं जिसको एक ऐसी शख्सियत की तलाश है जो ज़िंदगी के तमाम मामलात में रहबर बने, अपने कौल से भी और अपने अमल से भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शख्सियत में, आप में वो तमाम औसाफ़ का जमा हो जाना
जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात से, मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपका उन तमाम शोबों में, ज़िंदगी के तमाम मरहलों में, हर फील्ड में आपका कामिल तरीन इंसान होना, ये ख़ुद एक मौजज़ाती हैसियत रखता है, और ये ख़ुद इस्लाम के हक होने और आपके सच्चे नबी और रसूल होने की दलील है। आप ज़िंदगी का कोई भी शोबा उठा के देखें, आपको मिलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सिलसिले में रहबरी मौजूद है। और सिर्फ इतना नहीं कि रहबरी मौजूद है, बल्कि आपका अमली नमूना उसमें मौजूद है, और वो इतना बेहतरीन उस्वा और नमूना है कि उससे बेहतर का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आप एक आइडियल इंसान थे, आप एक कामिल उस्वा हसना थे, अच्छा नमूना थे। अल्लाह को जानने वाला, अल्लाह को मानने वाला, आखिरत का एहसास रखने वाला, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करने वाला वाकई बंदा कैसा होता है, अगर किसी इंसान को देखना है तो एक शख्सियत है, वो है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके तमाम सवालात का, उसकी तलब का, उसकी तलाश का जवाब उसको मिल जाएगा अगर इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उसको तलाश करें, आपकी ज़िंदगी का मुताला करें। आज की इस मजलिस में, इस गुफ्तगू में, इसी मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं को हम देखने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से बाज़ वाक़यात, बाज़ बातें इस मौजू से मुतालिक हम देखेंगे कि वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी अजीम उशान शख्सियत थे, आप कितने आला इंसान थे। आपकी ज़िंदगी के तमाम मामला देखना एक मुश्किल चीज़ है, तफसील तलब और बहुत ही वक्त की इसको ज़रूरत है। आज की मजलिस में हम बाज़ पहलुओं पर गौर करेंगे ताकि एक इजमाली खाका, एक छोटा सा हिस्सा आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का हम देखें, जिससे आपकी अज़मत हमारी समझ में आए। अल्लाह ताला ने क़ुरान करीम में फ़रमाया, या अय्युहन नबी, ए नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है, और लोगों को ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा है। वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा है। वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा है। वसिराजम मुनीरा, और आपको एक रोशन चराग बनाकर भेजा है। एक तरफ आप बशीर हैं, नदीर हैं, नेकियों के अच्छे अंजाम और बुराइयों के बुरे अंजाम को बताने वाले हैं, आमाल के इतबार से अच्छे बुरे अमल का नतीजा क्या निकलता है लोगों को ये समझाने के लिए आए हैं। इसी के साथ आप लोगों को अल्लाह की तौहीद समझाने के लिए आए हैं। आप सिर्फ समाज सुधार के लिए नहीं आए कि लोगों को अखलाक की तालीम दें, बल्कि आप अमल के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी के महवर, उसके मरकज़ी नुक्ते तौहीद, अल्लाह से बंदे के रिश्ते और बंदे के अल्लाह की निस्बत से ज़िम्मेदारी, तौहीद को समझाने के लिए आए हैं। सारी मखलूक की बंदगी और ग़ुलामी से निकाल कर एक बंदे को, एक इंसान को अल्लाह से जोड़ने और अल्लाह की बंदगी की दावत कर देने के लिए आए हैं। वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ दावत देने वाले बनाकर आपको भेजा गया है। वसिराजम मुनीरा, और सिर्फ आप कौली दाई नहीं हैं कि बस आप ज़बान से
क्या अच्छा है क्या बुरा है बता दें, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको सिराज मुनीरा बनाकर भेजा है। सिराज के माना होते हैं चिराग, और मुनीरन उस चिराग की हालत है कि अल्लाह ने आपको सिराज मुनीरा बनाकर भेजा, यानी अल्लाह ताला ने आपको एक रोशन चिराग बनाकर भेजा है। ये बुझा हुआ चिराग नहीं है, चिराग बुझा हुआ भी होता है उससे रोशनी नहीं मिलती है। चिराग का फ़ायदा तभी होता है जब वो रोशन हो, लोगों को उससे नूर मिले, उसकी रोशनी में लोग अंधेरों में रास्ता पाएं, उनको रास्ते में और गड़े में फ़र्क मालूम पड़े। जब वो अपने हाथ में चिराग लें, जब चिराग उनके साथ हो और चिराग के ताबे हो जाएं, तो ये चिराग उनको गढ़ों से बचाता है, दलदल से बचाता है और वाकई रास्ते पर बाकी रखता है, बशर्ते कि उस चिराग की रोशनी से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला ने मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को सिराज मुनीर से ताबीर किया है। आप अपनी ज़ात में एक रहबरी का नूर हैं, आप लोगों के लिए अमली एतबार से वैसे हैं जैसे चिराग अंधेरे में होता है। आपकी पूरी शख्सियत, आपका पूरा किरदार, आपकी पूरी अमली ज़िंदगी लोगों के लिए चिराग की हैसियत रखती है कि कोई आदमी आपके अक्वाल की बजाय आपकी अमली ज़िंदगी भी देख ले तो वाकई उसको सच्ची और अच्छी ज़िंदगी का नमूना मिल जाएगा। अपनी ज़िंदगी को नापने के लिए मीज़ान, अपनी ज़िंदगी को तोलने के लिए तराजू, अपनी इस्लाह के लिए फुटपट्टी उसको मिल जाएगी। वाकई अपने आप को नापना और अपने आप को सही करना, अगर इस नीयत से अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आदमी देखता है तो उसके लिए काफ़ी रहबरी मौजूद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है, और लोगों को बुरे अंजाम से खबरदार, क़ियामत के मरहलों से, हौलनाकियों से खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है, और हमने आपको अल्लाह की तरफ अल्लाह के हुक्म से दावत देने वाला बनाकर भेजा है, हमने आपको एक चिराग, रोशन चिराग बनाकर भेजा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बात मालूम हुई कि आपकी कौली तालीमात में भी रहबरी है और आपकी अमली ज़िंदगी में भी इंसान के लिए रहबरी मौजूद है। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह वाज़ अल्फाज में कहा सूरह अल अहज़ाब में आयत नंबर 21 में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में, इस रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। उस्वे हसना अच्छे नमूने को कहते हैं, बुरा नमूना भी हो सकता है और अच्छा नमूना भी हो सकता है। कोई इंसान बुराइयां करते 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 लोगों के लिए बुरे इंसान की अलामत बन जाता है कि बुरा अगर बताना हो, बुरा इंसान किसको कहते हैं, तो उसकी तरफ इशारा करके कहा जाता है देखो ऐसा मत बनना, बुरे इंसान की अलामत ये है। वो लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल बन जाए, बुराई का मॉडल बन जाए, एक बुरा नमूना होता है जिसकी अलामत फिरौन, नमरूद और इस तरह के दूसरे लोग हैं, अबू जहल है या दूसरे और लोग हैं जो बुरी ज़िंदगी का नमूना होते हैं। और एक नमूना अच्छी ज़िंदगी का होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए इस रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है, अच्छा नमूना मौजूद है कि अच्छा इंसान कैसा होता है, अच्छी ज़िंदगी कैसी होती है, अच्छा किरदार किसको कहते हैं, ईमान व अमल वाली ज़िंदगी होनी कैसी चाहिए, वाकई जो इंसान अल्लाह का बंदा है अल्लाह का बंदा कैसे होना चाहिए, जन्नती ज़िंदगी कैसी है,
जन्नती इंसान कैसा होता है, अल्लाह का मुकर्रब इंसान कैसा होता है, अल्लाह को कौन सी ज़िंदगी पसंद है, कैसा इंसान अल्लाह को पसंद है, अगर देखना है तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए इसके लिए बेहतरीन नमूना अगर मिलेगा तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलेगा। ये वो शख्सियत है जो अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी के तमाम मरहलों के लिए उसवे हसना है, ज़िंदगी के तमाम शोबों के लिए उसवे हसना है। और ये सिर्फ क़ुरान का दावा नहीं है बल्कि इंसानी तारीख का मुताला करने वाले, शख्सियात के मुताला करने वाले, इंसानी ज़िंदगी पर असर डालने वालों की तारीख का मुताला करने वाले, ज़िंदगियों का जायज़ा लेने वाले मुहक्किकीन ने, तहकीक करने वालों ने और ख़ुसूसन गैर मुस्लिम तहकीक करने वालों ने भी इस बात का एतराफ़ किया है, जिनमें से एक मिसाल हमारे सामने है। एक अमरीकी हिसाबदान मैथमेटिशियन माइकल हार्ट, उसने एक किताब लिखी और इस किताब पर बहुत उसने मेहनत की। उसके सामने एक प्रोजेक्ट था, उसने इंसानी तारीख में असर डालने वाली शख्सियात की तारीख में कई बड़े बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने इंसानों की ज़िंदगी पर असर डाला, जिन्होंने तारीख के धारे को मोड़ दिया। ऐसे कौन कौन लोग थे? कई आम लोग पैदा होते हैं, जीते हैं, खाते पीते मर जाते हैं, उनका या तो कोई असर इंसानी ज़िंदगी पर नहीं होता है या फिर वो असर होता है तो बहुत महदूद होता है, एक छोटे दायरे में उनका असर होता है, अपने घर में, अपने ख़ानदान में। और कई लोग ऐसे दुनिया में आके दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका असर आलमी सतह पर होता है, जिनके अफकार, जिनकी कोशिशें, जिनकी ज़िंदगी का असर दुनियावी सतह पर सारी इंसानियत पर होता है और वो तारीख के धारे को मोड़ने वाले होते हैं, वो इंसानी समाज को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर या एक रफ्तार से दूसरी रफ्तार तक ले जाते हैं, समाज एक अलग समाज बन जाता है। इतना बड़ा असर वो एक बड़े समाज पर डालते हैं। ऐसे कौन कौन लोग हैं? उसने तारीख में बहुत सारे लोगों का इंतखाब किया। फिर उसने एक काम किया, उसने कहा ठीक है, इतनी सारी शख्सियात हैं, इनमें सबसे ज़्यादा असर किसने डाला, इस एतबार से एक दो तीन लोगों की सीक्वेंस उसने रखी और तरजीहात उसने रखी, प्रेफरेंसेस उसने रखे कि सबसे ज़्यादा आगे कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। ऐसी कुल मिलाकर शख्सियात जो उसने जमा की, 100 शख्सियतों का एक मजमुआ उसने बनाया, 100 लोगों को चुना और उनमें तरजीह दी और एक शख्सियत को सबसे ज़्यादा आगे रखा जिसने इंसानी समाज पर सबसे ज़्यादा असर डाला हो, जो तारीख एतबार से सबसे ज़्यादा कामिल तरीन, कामयाब तरीन शख्सियत रही हो। और उस शख्सियत के लिए उसने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। ये मुसलमान नहीं है, ये आदमी जिसने किया है, ये किताब लिखी है, वो मुसलमान नहीं है और कोई आम आदमी नहीं है बल्कि एक पढ़ा लिखा और बहुत ही तहकीक के मैदान में आगे इंसान है। इस इंसान ने जब तासुब से ऊपर उठकर, ग्रोहबंदी, अपने पराए, इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके जब इस इंसान ने तहकीक की और शख्सियात का जायज़ा लिया तो उसके सामने हकीकत आई कि तारीख़ की सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन शख्सियत जिसने इंसानी समाज पर सबसे ज़्यादा असर डाला हो, वो शख्सियत अगर कोई है तो मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है।
उसने खुले तौर पर अपनी किताब में इस बात का एतराफ़ किया। उसने कहा, ही वॉज दी ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर लेवल्स। उसने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख की वो वाहिद शख्सियत हैं जो दो लेवल पर निहायत ही कामयाब शख्सियत रही है। दो शोबों में इंसानी ज़िंदगी की दो सतहों पर, एक रिलीजियस, दूसरे सेक्युलर। दीनी एतबार से अगर कोई रहबर है जिसने इंसान की दीनी ज़िंदगी पर असर डाला हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत हैं कि इंसानी तारीख़ में दीनी एतबार से सबसे कामयाब शख्सियत ये रही है। समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, हुकूमत के एतबार से अगर कोई शख्सियत रही हो जो सियासी एतबार से, हुकूमती सतह पर, समाजी एतबार से कामयाब तरीन शख्सियत रही हो कि जिसने एक बेहतर समाज की तश्कील की हो, उसको कानून दिया हो और कानून वहाँ पर नाफिस किया हो और इंसान को इंसान के हुकूक दिए हों और उन सब की निगरानी की हो, एक अच्छा समाज जिसने बनाया हो, इस सतह पर अगर देखा जाए तो सियासी और समाजी सतह पर भी कामयाब तरीन शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत दिखाई देती है। एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग, उन्होंने दीनी मैदान चुना और बहुत कुछ काम उसमें किया, वो दीनी एतबार से मशहूर हुए, उनके मानने वाले आज भी हैं, लेकिन ये वो लोग रहे जिन्होंने इंसान की दुनियावी ज़िंदगी पर असर नहीं डाला। माशी मामलात, तिजारत, घर बार, बीवी बच्चे, हुकूमत और इस तरह के सारे मामलात में उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई रहबरी उनको नहीं मिली, उन्होंने लोगों को कोई बड़ी रहबरी, ऐसी ख़ास रहबरी नहीं दी। वो बस दुनिया छोड़कर लोगों को दीनी तालीमात देने वाले लोग बने। कुछ शख्सियात दूसरी थी जिन्होंने साइंस का मैदान, सियासत का मैदान, एजुकेशन का मैदान, हुकूमत का मैदान, ये सारे मैदान चुने और इसमें कामयाब तरीन इंसान वो रहे, बहुत कामयाबी उन्होंने हासिल की। ये लोग अगरचा एजुकेशन, साइंस और सियासत की सतह पर कामयाब रहे लेकिन इंसानी अकायद, अखलाक और इंसानी मामलात, बाहमी ताल्लुक, मरने के बाद की ज़िंदगी, दीनी निज़ाम, इबादती निज़ाम, इसमें कोई रहबरी नहीं दे सके। हर शख्सियत किसी न किसी एतबार से अधूरी रही, एक पहलू उसने लिया तो दूसरा छूट गया, दूसरा पहलू लिया तो पहला छूट गया। दीनी और दुनियावी ज़िंदगी दोनों एतबार से रहबरी किसी ने नहीं दी और न सिर्फ एक रहबरी बल्कि इस बुनियाद पर कामिल निज़ाम कायम करना। ये तारीख में अगर कोई कर पाया तो माइकल हार्ट के अल्फाज में ये शख्सियत सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है कि मदीना अकीदे के एतबार से भी साफ़ सुथरा, इबादत के एतबार से अच्छे लोग जो इबादती लोग हैं, तिजारत के एतबार से बेहतरीन लोग जो हलाल हराम की तफरीक करें, अमानतदारी से तिजारत करें, हुकूक़ की अदायगी, अखलाक, लोगों के साथ अच्छा रहना, इस एतबार से बेहतरीन किरदार के लोग, माशरती आदाब के एतबार से, उठने बैठने खाने पीने के एतबार से सलीक़े वाले लोग, अकायद के एतबार से बुतपरस्ती से निकलकर एक अल्लाह पर भरोसा रखने वाले लोग, एक ऐसा समाज जो ज़िंदगी के तमाम शोबों को लिए हुए हो, सियासी एतबार से ऐसे लोग के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और आपके बाद यही लोग जो आपकी तरबियत से मुस्तफ़ीज़ थे, इन लोगों ने बड़ी बड़ी हुकूमतों को अपने घोड़ों की टापों से रौंद दिया।
बड़ी बड़ी सल्तनतें उनके कदमों में आकर गिर गई हैं, ऐसे कामयाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने दावत शुरू की तो अकेले इंसान थे, आपके सर पर कोई मिट्टी डाले, कोई आपको धक्का दे, कोई आपको गाली दे, कोई आपको ताना दे, कोई आप पर इल्ज़ाम लगाए, कोई आपका मजाक उड़ाए, समाज से हट के एक दावत, लोगों के तसव्वुर से बाला तसव्वुर, एक ऐसी शख्सियत कि जिसने अकेले दावत शुरू की, सारा समाज शुरू में आपका मजाक उड़ाता रहा, फिर आपका दुश्मन बनकर आपको तकलीफ देने लगा, यहां तक कि आपकी जान का दुश्मन बन गया, आपके लिए मक्का में रहना मुश्किल हो गया। आप अपने चंद साथियों को आगे भेजकर आप मक्का से मदीना हिजरत करने के लिए मजबूर हो गए, आपको अपना वतन छोड़ना पड़ा, आपको इतना सताया गया कि आप अपनी दावत को अपने वतन में जारी नहीं रख सके, घर बार छोड़ के आपको जाना पड़ा। आप मदीना में आए, आपने पहले ही लोगों को मदीना भेजा था दावत के लिए, मुसाब इब्ने उमैर और उनके अलावा और लोग थे, और मदीना के लोग आते थे, आपने उनको भी दावत दी थी, मदीना में आपके मानने वाले बन गए थे। आप मक्का से मदीना हिजरत करके गए, एक छोटी सी जमात आपके गिर्द जमा हो गई और ये लोग आपके लिए आपकी बात पर मर मिटने वाले लोग थे, एक आला तरीन समाज जो आपकी बात को, आपकी बात तो दूर की बात है, आपके वजू के कतरे ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, ऐसे लोग, ऐसे लोग आपको मिले, आपकी तालीम का तरबियत का असर था कि आला तरीन लोग आपको मिले। अरब के रेगिस्तान में जहाँ उगने के एतबार से कोई ख़ास ज़रखेज़ी नहीं है, वो रेगिस्तान है, लेकिन अखलाकी एतबार से, दीनी एतबार से, किरदार और कैरेक्टर के एतबार से वो ज़मीन इतनी ज़रखेज़ साबित हुई कि वहाँ से ऐसे इंसान पैदा हुए कि तारीख़ के लिए वो यादगार बन गए। आज भी ज़मीन ऐसे लोगों के लिए हसरत करती है कि कहाँ ऐसे लोग, आपकी तरबियत से ऐसे लोग बने और आपने उनके साथ मिलकर एक ऐसा समाज बनाया कि जिसकी नज़ीर मिलना, जिसका एग्ज़ाम्पल मिलना आज एक नामुमकिन चीज़ बना हुआ है। आपके मदीना जाने के बाद भी आपके दुश्मनों ने आपको चैन लेने नहीं दिया, मुसलसल हमले करते रहे, एक के बाद एक जंग, और आखिरकार होते 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 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाका, वही बस्ती, वही शहर जो छोड़ के आपको जाना पड़ा था, रात के अंधेरे में अल्लाह के हुक्म से अपनी हिफाजत करते हुए वहाँ से निकल जाना पड़ा, वही बस्ती, वही मक्का जिन्होंने आपको वहाँ रहने न दिया, आप बग़ैर किसी जंग के, उस मक्का में 10,000 सहाबा के साथ दाखिल हुए और पूरा का पूरा मक्का आपके हाथ में आ गया, मक्का फतेह हो गया, आपको लड़ना भी नहीं पड़ा। वही शख्सियत जो रात के अंधेरे में मक्का से निकली थी, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और आपने हिकमत वाले तरीक़े से, एक हकीमाना तरीक़े से, तरतीब के साथ ऐसी तरकीब की और स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सहाबा को तरबियत देते हुए ऐसा मामला किया, ताकत बढ़ाते चले गए कि एक वक्त आया कि आपको मक्का वापस हाथ में लेने के लिए, न सिर्फ ये कि मक्का में आए आप, बल्कि आप मक्का में आए तो एक हाकिम की हैसियत से, एक गालिब की हैसियत से आए कि मक्का की मस्जिद हराम की चाबियां आपके हाथ में आ गई, आपको जंग की भी नौबत नहीं आई। एक कामयाब इंसान कि जिसकी ज़िंदगी की इब्तिदा
ظلم، مظلومی، تکلیف اور مذاق اور انکار اور ستانے سے ہوئی کہ آپ کے ساتھ ہر قسم کا واقعہ ہوا، لیکن آپ ہارے نہیں، آپ ہمت نہیں ہارے، آپ اپنے مقصد پر یقین کے ساتھ جمے رہے۔ دو چیزیں جس کی زندگی میں آئیں وہ آدمی کامیابی کو چھو کر رہتا ہے، بلکہ کامیابی اس کے قدموں میں آتی ہے۔ ایک، اپنے مقصد کے حق ہونے کا یقین، دو، اس مقصد کے لیے اتنی کوشش کرنا کہ اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے انسان تیار ہو جائے، رکے نہیں، مسلسل جو تقاضا اس مقصد کے لیے ہے اس تقاضے کو پورا کریں۔ یہ دو چیزیں جس انسان کے پاس ہوں، کامیابی خود چل کے اس کے پاس آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دو چیزیں آپ نمایاں طور پر دیکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی بڑی بڑی شخصیتوں نے سراہا ہے، جس کی ایک مثال ہم نے یہاں دیکھی۔ تاریخی اعتبار سے کردار کی بلندی کا نمونہ آپ ہیں۔ کامیاب ترین انسان کی مثال دینا ہو تو آپ کی شخصیت ہے۔ مظلومی سے غلبہ کی مثال اگر دینا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غلبے کے بعد بھی اخلاق کی بلندی کو باقی رکھنے والا انسان، اس کی مثال دینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مظلومی کے دور میں ہمت نہیں ہارنے والا انسان، مثال دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے بارے میں دوسروں سے بڑھ کر اللہ والا بندہ، مثال کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندوں کے سلسلے میں اپنے بارے میں نہ سوچتے ہوئے کا سوچنا کون مثال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر کے اندر، گھر کے باہر، امیر، غریب، چھوٹے، بڑے، بچے، ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق برتنے والا، عقل مندی کی انتہا، عقل مندی کا منار، عقل مندی کا، حکمت کا آسمان، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کامل ترین شخصیت کہ جس کے زندگی کے کسی بھی پہلو کو آدمی دیکھے تو اس کو رشک ہو کہ واقعی ایسی شخصیت تھی، کتنی اعلیٰ شخصیت ہے، اس کا دل عظمت سے اس شخصیت کے لیے بھر جائے، اس کو اپنی زندگی دیکھ کر افسوس ہو، اس کے دل میں تمنا پیدا ہو ملاقات کی، اس کے دل میں تمنا ہو کاش صحبت مل جاتی ہے، جس کے دیدار اور ملاقات کا شوق دل میں انسان کے پیدا ہو، ایسی اعلیٰ شخصیت، ایسی شفقت والی، محبت والی، ہمدردی والی شخصیت، ایسی انصاف والی شخصیت، ایسی بہادر شخصیت کے جو اپنے پیچھے دوسروں کو کر کے پریشانی اور مقابلہ کرے ساری برائیوں کا، جو ہر ایک کے بارے میں سوچنے والا ہو، جو سادگی والی زندگی جیے، دوسروں کی بھوک پر جس کو تکلیف ہو اور اپنی بھوک پر جو خوش ہو جائے اور ناشکری نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیا شخصیت ہے؟ ہے کوئی اور؟ آدمی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ انسانی شخصیت کے کمال کے تصور سے اعلیٰ شخصیت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے مسلمان کو خاص طور سے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، آپ کی شخصیت کو ایک ایمانی کتاب کی طرح پڑھے اپنے ایمان کے اضافے کے لیے۔ وہ آپ کی شخصیت کو پڑھے، زندگی کے مسائل میں حل کے اعتبار سے ایک مینول بنا کر، ایک رہبر کتاب بنا کر، کب کیا کرنا ہے دیکھنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ اگر آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، یہ ناکام انسان ہونے کے لیے پہلا قدم ہے، یہ محرومی کی ابتدا ہے۔
जहालत है। आज की इस गुफ्तगू में हम इस मुबारक शख्सियत, इस अजमत वाली शख्सियत, इस मोहतरम शख्सियत की ज़िंदगी के बाज़ पहलू देखेंगे और मकसूद यही है कि हमारे दिलों में आपकी महब्बत पैदा हो और हमारी ज़िंदगी में ईमान का जोश, यकीन, किरदार की पुख्तगी और वो भलाइयाँ आएँ जो आपकी ज़िंदगी से हम पढ़ कर मालूम करें। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाएँ कि हम अपनी अमली ज़िंदगी में और अपनी फ़िक्री ज़िंदगी में, सोच वाली ज़िंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले बने। आइए देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। जाबिर इब्न समरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, कान तवील समति कलील दहक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा खामोश रहने वाले, तवील समत बहुत खामोश रहने वाले, कलील दहक बहुत कम हंसने वाले इंसान थे। इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया है और ये सही रिवायत, हसन दर्जे की रिवायत है। शेख अल अल्बानी ने सैयद जाम सगीर में इसको ज़िक्र किया है। आप बहुत कम बोलते थे, आप बहुत कम हंसते थे, आप एक ऐसे इंसान थे जो अपने कलाम के एतबार में एक हसास इंसान थे, एक ऐसा इंसान जो बोले तो भली बात बोले वरना चुप रहे। जिस इंसान के पास बोलने के लिए भली बात हो और वो सही वक्त देख कर सही बात करने वाला इंसान हो, एक डिसिप्लिन इंसान जो अपने अमल तो अमल, अपनी अपनी ज़बान से निकलने वाले कलिमात का भी मुहासबा करता हो, जो इस बात का यकीन रखता हो कि उसका हर लफ्ज़ लिखा जा रहा है, जो इस बात का यकीन रखता हो कि अल्लाह उसकी बात सुन रहा है, जिसके सामने आखिरत हो, जिसके सामने मरने के बाद की ज़िंदगी में अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास हो कि मेरे आमाल के बारे में पूछ होगी, मेरी ज़बान से निकलने वाले कलिमात के बारे में मुझसे मुहासबा होगा। का ना तवील समत, बहुत चुप रहने वाले। चुप रहना इंसान के सोचने की अलामत है। जो इंसान बहुत गहरी सोच वाला होता है वो खामोश होता है, बहुत बोलने वाला आदमी गहरा नहीं होता है। वो आदमी जो गहरा है उसके मिजाज में सोचना और खामोशी अपने आप शामिल हो जाता है। और कलील दहक, और आप बहुत कम हंसने वाले थे। जो आदमी जिसकी निगाह दुनिया के खेल तमाशों पर हो और वो इसी में खोया रहता हो, उसके मिजाज में संजीदगी नहीं होती है। लेकिन जो इंसान मरने के बाद की ज़िंदगी, क़यामत, कब्र, जन्नत जहन्नम, पुल सिरात, अल्लाह के आगे जवाबदही, आखिरत का हिसाब, तराजू, नेकी गुनाह का तुलना, जो जहन्नम की पुकार सुन रहा हो, जो कुरान में जिसको अल्लाह की तरफ से बताया जा रहा हो कि क्या होने वाला है, जिसको कब्र में अजाब सुनाई देता हो, उस इंसान के मिजाज में, उस इंसान के मिजाज में संजीदगी आना यकीनी चीज़ है। जिसकी फ़िक्र आखिरत से लगी हुई हो, जो मौत को याद रखता हो, जिसकी निगाह लज्जतों की बजाय अपनी ज़िम्मेदारियों पर हो, उसके मिजाज में संजीदगी आ जाती है, उसकी मिजाज में खामोशी पैदा हो जाती है। यही मिजाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आप अगर हंसते भी थे तो लोगों से हुस्न सलूक के एतबार से, इसीलिए खुद यही सहाबी जाबिर इब्न समरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, कान ला यदहकु इल्ला तबस्सुमन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी बस एक मुस्कुराहट हुआ करती थी। आपका हंसना मुस्कुराना होता था, आप बहुत खिलखिलाकर नहीं हंसते थे। आपके मिजाज में बेफिक्री नहीं थी, आप ठट्टा नहीं करते थे जैसे आम लोग किया करते हैं।
बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते थे। कोई हंसी की बात हो जाए, कोई खुशमिजाजी का मामला हो, तो आप बस मुस्कुराते थे, बहुत कम आप हंसते थे। काना ला यदहकु इल्ला तबस्सुमन, इसको इमाम अहमद तिर्मिज़ी और हाकिम ने रिवायत किया है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि आप उस तमाम तर संजीदगी, आखिरत की फ़िक्र, अपनी ज़िम्मेदारी के एहसास, अल्लाह के खौफ, जन्नत जहन्नम के एहसास और इस्तेहदार, इसके बावजूद आप लोगों के बीच में जीते थे और आप ऐसे मिजाज वाले नहीं थे कि लोग आपसे मुतनफ़िर हो जाएं। एक आदमी अपने मसाइल अगर लोगों के सामने भी बयान करे और अपने मसाइल का एहसास लोगों को भी दिलाने की कोशिश करे, तो इसको अच्छा इंसान नहीं माना जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुश मिजाज इंसान थे, आप अपनी तकलीफ को अपने तक रखते थे। घर के मसाइल, फ़क्र फाका, मुनाफिकीन के फितने, यहूद व नसारा की साजिशें, मुशरिकीन की तरफ से मुसलसल हमले, मुसलमानों में बाज़ औक़ात पैदा होने वाली बाहमी इख्तलाफात, मदीना में रहने वालों के मसाइल, किसी को खाने का मसला, किसी को पहनने का मसला, किसी का और मसला, लोगों के आपसी झगड़ों को मिटाना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। तबलीग दीन की ज़िम्मेदारी, तालीम व तरबियत का मुसलसल निज़ाम, घर वालों की तरबियत का निज़ाम, उसकी फ़िक्र, एक मुस्तकिल ज़िम्मेदारी से लदा हुआ इंसान जिसका हर लम्हा किसी न किसी ज़िम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसा इंसान आप देखें दुनियावी एतबार से, ऐसे लोग जिन पर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो और मसाइल भी आ जाएं, रुकावटें भी हों, ऐसा इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, झिझलाट का शिकार हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कतान दिखाई नहीं देगी। आप उन तमाम मसाइल के बावजूद, उस तमाम तर संजीदगी के बावजूद एक खुश मिजाज इंसान थे। आपके साथ रहने वाला इंसान आपकी खुश मिजाजी से फ़ायदा उठाता था। सहाबी जरीर रदी अल्लाह तआला कहते हैं, मा हजबनी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंदु असलमतु, जब से मैं इस्लाम लाया हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुझसे छुपे नहीं रहे। यानी आपका हाल, आपकी ज़िंदगी हमेशा मेरे सामने रही है, या आपने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं फ़लां से मिलना नहीं चाहता, जब भी मैंने आपसे मिलना चाहा आपने मुझे आने दिया। मा हजबनी, कभी आपने मुझसे इहतिजाब नहीं किया, कभी आप मुझसे कट के नहीं रहे, बल्कि आपकी ज़िंदगी आप हमेशा मेरे सामने रहे। वला रानी इल्ला तबस्सम फी वजही, और जब भी आपने मुझको देखा, मेरी तरफ़ देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी मेरी मुलाकात हुई, इल्ला तबस्सम फी वजही, मुझको देखकर आप मुस्कुरा दिए। इसको इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। लोग आते थे आपके पास, कोई परेशान आता था, कोई आपसे मिलने आता था, कोई अपने मसाइल लेकर आता था, कोई आपसे दीन की बात पूछने आता था, कोई आपसे दुनिया मामलात में मशवरा करने के लिए आता था, अच्छे बुरे सब किस्म के लोग आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में आने वाले तमाम लोगों के साथ में अच्छा अखलाक से पेश आते, आप उनसे मुस्कुरा कर मिलते, बाज़ औक़ात आप उनसे ऐसी बात करते कि उनका गम दूर हो जाता, वो हंस देते, कभी आप उनकी बातें सुनते और आप हंस देते, उनके साथ आप मिलजुल कर बैठते, आप उनसे कट कर अलग नहीं रहते जैसा कि आम तौर से लोगों का हाल होता है, आप लोगों के साथ उठते बैठते थे, उनके बीच बैठते, उनके गम सुनते, उनका हल करते, उनकी खुशियों में शरीक होते, उनसे मिलते, उनके साथ उनकी हंसी में आप भी शरीक हो जाते, आप एक मिलनसार इंसान थे। और दाई को ऐसा ही होना चाहिए,
अकड़ कर अलग होना, मैं तुमसे ऊंचा हूं, तुमको क्या मालूम तुम दुनियादार हो, मैं आखिरत वाला हूं। आप ऐसे नहीं थे। बहुत सारे सूफियों में, बहुत सारे दीनदार तबके में जीने वाले लोगों में ये एक किस्म का खुमार होता है, मैं ऊंचा तुम नीचे, मैं आला तुम अदना, मैं हूँ तुम हो। ये चीज़ आप में नहीं थी। आप आम इंसानों की तरह रहते थे और मिलजुल कर लोगों के साथ, मिलनसारी के साथ, उनसियत और महब्बत के साथ रहते थे। इसीलिए सहाबी कहते हैं कि जब भी आपने मुझे देखा, मेरी आपकी निगाह मिली, आप मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। आप आने वालों का मुस्कुरा कर इस्तकबाल करते थे। और देखिए, ऐसा इंसान, लोग ऐसे इंसान से जुड़ते हैं जो लोगों के साथ खुश मिजाजी से रहता है। हमारी अपनी परेशानी हमारे साथ, हमारे गम, हमारे मसाइल हमारे साथ होना चाहिए। हम दूसरों पर वो उंडेलने वाले न बने। दावत के मैदान में इसको हमेशा याद रखिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से एक अहम तालीम है। आपके किरदार का एक पहलू, अहम पहलू है। नंबर तीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ लोगों के साथ उठना बैठना और उनके साथ घुल मिल कर रहना ये मामला आपका था, वही आपकी ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू भी है, वो आपका इबादती पहलू है। आप लोगों के साथ अच्छे थे, लेकिन इसी के साथ आपका ताल्लुक अल्लाह से भी बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोग जो समाजी खिदमत में लगते हैं, जो सियासी मैदान में उतरते हैं, जो लोगों के बीच उठते बैठते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं, उनकी दीनी ज़िंदगी सिफर होती है, उनकी दीनी ज़िंदगी ज़ीरो होती है। अल्लाह के हुकूक ज़ाय करते हैं, नमाज़ें बर्बाद, रोज़े बर्बाद, लोगों के मसाइल हल करते करते वो अपने लिए अल्लाह के ताल्लुक से मसला पैदा कर देते हैं। अल्लाह के मामले में उनका मसला बड़ा बन जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ लोगों के साथ अच्छे थे, वहीं आप अल्लाह के साथ भी अच्छे थे। जहाँ आप लोगों के मामले में कामिल इंसान थे, लोगों के करीब थे, वहीं आप अल्लाह के मामले में भी कामिल बंदे थे। आप अल्लाह के भी करीब बल्कि अकरब थे। आपकी ज़िंदगी दिन भर लोगों से मिलने जुलने, उनके मसाइल हल करने में गुज़रती थी, तालीम और तरबियत में गुज़रती थी, और रात का वक्त जब होता तो रात में आप अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाते, और इतनी इबादत आप करने वाले थे कि बाज़ औक़ात आपके पाँव में सूजन आ जाती थी। आपकी इबादत के बारे में मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता तवर्रमत क़दमाहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया, रात में तहज्जुद पढ़ने के लिए आप खड़े हुए, और इतनी लंबी नमाज आपने पढ़ी कि आपके पाँव में सूजन आ गई, आपके पाँव में सूजन आ गई। फ़कील लहु غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر। ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपके लिए आपके अगले पिछले तमाम अहवाल के लिए मगफरत का फ़ैसला कर दिया है, फिर भी आप इतनी इबादत करते हैं, आप क्यों इतना मुजाहदा करते हैं? आपने जवाब में कहा, अफला अकुन अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आप सोचें, दिन भर की जिम्मेदारियों के बाद, रेगिस्तान में थकन के बाद, गुर्बत का हाल, कोई पंखा नहीं, कोई फ्रिज नहीं, कोई एसी घर में नहीं, बाहर कोई छतरी लेके पीछे चलने वाला नहीं, आप मुजाहदे वाली ज़िंदगी, और इसके बाद रात का वक्त जब आराम का वक्त आ रहा है तो रात में आप खड़े हो रहे हैं इबादत के लिए, अल्लाह के आगे सजदों में, क़ियाम में, रुकू में वक्त गुजार रहे हैं, इतना लंबा क़ियाम कर रहे हैं कि आपके पाँव में सूजन आ रही है, यहाँ तक कि लोगों को आपकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही है, लोग आपको मशवरा दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल आपकी तो मगफरत हो चुकी है, आप अल्लाह के इतने करीब, और आप इतनी तकलीफ़ इबादत में आप क्यों उठाते हैं, आप क्यों इतना मुजाहदा करते हैं?
बजाय उनके मशवरे को मानने और अपनी इबादत में कमी करने के, आप उनसे कहते हैं कि हाँ मग़फ़िरत तो हो चुकी है, लेकिन क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ? अल्लाह की इतनी सारी नेमतें हैं, उनका शुक्र कैसे अदा करूँ? मैं अल्लाह की इबादत करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, मैं सजदों में क़याम में अल्लाह के आगे झुक कर अल्लाह की नेमतें ज़ाहिरी व बातिनी, दीनी व दुनियावी, दुनियावी व उखरवी, इन तमाम नेमतों का अल्लाह का हक तो नहीं अदा कर सकता, शुक्र अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अफला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं ये पसंद न करूँ कि मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनूँ? रात की आराम की, आराम की मजलिस, आराम का वक्त आप अल्लाह की इबादत की निछावर कर देते थे। आप बंदों के साथ भी अच्छे, अल्लाह के साथ भी अच्छे, बंदों का हक भी अदा कर रहे हैं, बाहर लोगों का भी हक अदा कर रहे हैं, घर वालों का हक अदा कर रहे हैं, और फिर अपनी राहत के औकात, ये फ़र्ज़ भी नहीं है, ये नफल है, ना पढ़ें तो गुनाहगार भी नहीं, लेकिन आप रात के इन आराम के औकात को अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ किए हुए हैं। अल्लाह का वाकई बंदा उमिन अल्लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, ए नबी रात में आप तहज्जुद पढ़ लिया कीजिए, आपके लिए नफल है, आपके लिए जायद है, आप पढ़ा कीजिए। قم الليل الا قليلا, ए नबी रात में पूरा क़याम कीजिए थोड़ी रात छोड़ के, نصفه او انقص منه قليلا, आधी रात या फिर आधी रात में से कुछ कम कर दीजिए, او زد علي या ज़्यादा कर दीजिए, ورتل القرآن ترتيلا, और क़ुरान पढ़िए ठहर ठहर कर, जल्दी जल्दी भी नहीं, जल्दी जल्दी भी नहीं, रुक रुक के क़ुरान पढ़िए। रात की इबादत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इबादत गुज़ार बंदे थे, आपकी मग़फ़िरत होने के बावजूद भी आप अल्लाह की इबादत करते और नवाफिल का इतना अहतमाम करते कि आपके पाँव में वर्म आ जाता है। आज मुसलमानों का क्या हाल है कि नफल छोड़िए और मग़फ़िरत का कोई वादा नहीं है, क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन इसके बावजूद अमली ज़िंदगी देखी जाए तो नवाफिल तो बहुत दूर की बात है, फ़राइज़ का भी कोई ख़्याल नहीं। एक दिन की नमाज, एक नमाज, महीना महीना नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है, हफ्ता हफ्ता नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, क्या ज़िंदगी है, कैसा नबी अल्लाह ने दिया, उस नबी को अपने लिए रहनुमा नहीं बनाया, जानवरों जैसी ज़िंदगी हो जाएगी। वो शख्सियत जिसने अपनी राहत के अवकात को अल्लाह के लिए क़ुरबान कर दिया, उसका उम्मती अल्लाह की इबादत को राहत के क़ुरबान कर दे, आप बताइए कौन सा जोड़ है, ये कहाँ जोड़ है, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ये भी अहम पहलू है कि आप अल्लाह के इबादत गुज़ार बंदे थे, लेकिन इबादत गुज़ार बंदा बाज़ औक़ात अपनी हदें भूल जाता है। तकवा, दीनदारी, जहाँ इंसान की अल्लाह से क़ुर्ब की मंजिलें तय करने में उसकी मदद करती है, आखिरत में मकाम दिलाती है, वहीं बाज़ औक़ात एक आदमी में इबादत की वजह से, दीनदारी की वजह से एक खुमार पैदा हो जाता है, वो दूसरों को छोटा समझने लगता है, अपने को बड़ा समझने लगता है, उसकी कोई तारीफ़ न करे तो बुरा लगता है, लोग उसकी इज़्ज़त न करें तो लगता है मैं इतना दीनदार होने के बावजूद लोग मेरी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, वो अपना तशख़्स कायम करने लगता है, वो दूसरों के मुकाबले में अपना एक मकाम मानने लगता है, बल्कि बाज़ औक़ात वो अपनी हदें भी पार कर देता है, लोग उसको अगर न माने तो उसको गुस्सा आ जाता है कि लोग मेरी कदर नहीं करते, लोग मेरी कदर नहीं करते। इसके बिलमुकाबिल आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग मिले वो वाकई आपका मकाम जानने वाले लोग थे,
वह आपकी कदर करने वाले लोग थे, वह अपनी जान पर आपकी राहत को तरजीह देने वाले लोग थे, वह आपके मुकाबले में किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं थे, वह वाकई आपकी ताज़ीम का हक अदा करने वाले लोग थे, बल्कि बाज़ औक़ात आपको मानने वाले आपकी तारीफ और ताज़ीम में बाज़ औक़ात गलती से हद पार कर जाते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपका मिजाज, आपकी सोच इतनी आला थी कि आप इन लोगों की उस गलत तारीफ पर, जो आपकी वाकई हुदूद से आपको बढ़ाने वाली हो, आप कभी उनसे राज़ी नहीं होते थे, बल्कि आप ऐसे लोगों को डांट देते थे जो आपको आपके वाकई मर्तबे से बढ़ा देते थे। दुनिया में एक आदमी अगर कोई दूसरा उसकी तारीफ़ में वो बातें बयान करे जो उसमें नहीं है, तो उसको रोकता नहीं है, बल्कि चुपचाप सुन लेता है, चलो अच्छा हुआ ऐसी भी तारीफ़ हो गई जो मुझमें नहीं है। उसकी गलत फहमी को दूर नहीं करता है, बल्कि रहने देता है, चलो अच्छा ही तो समझ रहा है मुझको। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसाफ पसंद इंसान थे, आप अदल पर मबनी शख्सियत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने सिलसिले में ऐसी तारीफ पसंद नहीं करते थे जो वाकई आप में ना हो। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा थे, आप रब नहीं थे। इंसानी एतबार से तमाम कमाल के औसाफ आप में थे, लेकिन फिर भी आखिरी हद आपकी बंदगी ही थी, उससे ऊपर नहीं। एक आदमी ने तारीफ़ करते करते आपके बारे में एक बड़ी बात कह दी जो सही नहीं थी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अन्न रजुलन क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा शा अल्लाह व शिता। एक आदमी ने आपके बारे में कह दिया, उसकी ज़बान से निकल गया, माशा अल्लाह व शिता, बस ठीक है, जो अल्लाह चाहे आप चाहें, जो अल्लाह की चाहत हो और आपकी चाहत हो। ये जुमला उसकी ज़बान से निकला कि अल्लाह की भी चाहत हो और आपकी चाहत हो, दोनों बराबर बराबर जोड़ी। आपने कहा फ़काल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उससे कहा, अजाल तनी वल्लाह अदला, क्या तूने मुझको अल्लाह के बराबर कर दिया, क्या तूने मुझको और अल्लाह को बराबर बराबर कर दिया, यानी मैं अल्लाह चाहे और मैं चाहूँ, यानी अल्लाह की चाहत के साथ साथ किसी चीज़ के होने के लिए मेरी चाहत भी जोड़ता है। अजाल तनी वल्लाह अदला, क्या तूने मुझको अल्लाह के बराबर कर दिया, बल माशा अल्लाह वहदह, बल्कि याद रख वही होगा जो अकेला अल्लाह चाहे, मेरी चाहत भी कोई चाहत नहीं है, मेरी चाहत कोई चाहत नहीं होगा, तो वही जो अल्लाह चाहे, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, अकेले अल्लाह की चाहत कायनात में पूरी होती है। अगर आप खामोश रहते तो क्या होता, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन ऐसी हर बात पर तंबीह कर देते थे जो आपको अपनी वाकई हद से ऊपर उठाने वाली हो। ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है, तारीफ़ करने वाले को रोकना, एक ऐसी तारीफ़ जो इंसान को उसकी हद से बढ़ाती हो, जो वाकई उसमें नहीं है, एक बहुत मुश्किल काम है। आदमी ऐसी झूठी तारीफ से भी लज्जत ले लेता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन टोक दिया। क्यों? ये तौहीद की गैरत है कि एक आदमी ऐसी बात न सुने जो अल्लाह की शान में, अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो, अल्लाह के साथ शिरकिया बात हो, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जा रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई तौहीद का एहतमाम करने वाले थे, बल्कि आप तौहीद के मुअल्लिम थे। आपने ये भी गवारा नहीं किया कि आपकी शख्सियत को अल्लाह के साथ इस तौर पर जोड़ा जाए
कि उसमें बराबरी का पहलू पैदा हो जाए। हालांकि आप देखें तो सहाबा आपको अल्लाह के बराबर नहीं मानते थे, लेकिन अल्फाज भी ऐसे नहीं हों जिनमें इस तरह की कोई बू आती हो कि नबी को अल्लाह के बराबर किया जाने का एहसास उसमें पैदा हो। अजअलतनी वल्लाह अदला, क्या तूने मुझको अल्लाह के बराबर कर दिया? बल माशा अल्लाह वहदा, बल्कि यूं बोल, यूं कह कि अकेला अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। अपनी नफी करना, अपना नगेशन, अपने आप का इनकार करके अल्लाह की बड़ाई बयान करना, ये वाकई तौहीद की दावत का कमाल है। अपनी नफी भी करना, हर चीज़ की नफी के बाद एक नफी बच जाती है, वो अपनी नफी है। मैंने किया तो हुआ, मैं चाहूँ तो होगा, अपनी नफी करना ये इंसान के लिए हमेशा से एक बहुत ही मुश्किल काम रहा है। लेकिन जब इंसान की तौहीद कामिल हो जाती है, वो अल्लाह के फ़ैसलों के मुकाबले में अपनी चाहत और अपनी कोशिश की हैसियत को जब वो समझ लेता है कि इसकी कोई वक़ात नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि अल्लाह के साथ इसको बराबरी के अतबार से ज़िक्र किया जाए, बिल्कुल पसंद नहीं करता है। यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। आप हमेशा अपनी ऐसी तारीफ़ से लोगों को मना करते थे जिसमें गुलू का पहलू हो, जिसमें हदें पार होती हों। आप एक नहायत ही हकीम इंसान थे, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही समझदार हो और फैसले जज्बात की बुनियाद पर न लेता हो, वक्ती हालात के दायरे ही में न सोचता हो, बल्कि जो आगे का सोच के आज कदम बढ़ाता हो, जो दूर तक देखने की सलाहियत रखता हो, वो फैसलों के नतायज को पहले से देख सकता हो कि आज मैंने ये कदम उठाया तो इसका रिज़ल्ट क्या आ सकता है, वो कदम उठाने से पहले सोचने वाला हो, वो लोगों की मेंटालिटी को जानता हो, वो सिर्फ अपनी सोच को सोच समझ के आगे न चले बल्कि देखे कि लोगों का भी सोचने का तरीका क्या है। ये नहीं कि मैं तो जो करना है कर लूँगा, लोग जो चाहे करें, नहीं, वो कोई कदम उठाने से पहले ये देखे कि अगर मैं ये कदम उठाता हूँ तो समाज में इसका क्या रद्द अमल आएगा, क्या इसका रिएक्शन आएगा। वो लोगों की साइकोलॉजी, लोगों की मेंटालिटी पढ़ने वाला हो, वो बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने वाला हो, वो समाज की इस्लाह के लिए ऐसा कदम ना उठाए जो समाज में तशवीश पैदा करने वाला हो, जो समाज की इस्लाह की बजाय समाज में एक अनार्की, एक क्याओस पैदा करने वाला हो, गड़बड़ पैदा करने वाला हो। ये बहुत ही नाजुक काम होता है। जो उसूलों पर भी निगाह रखे और उसूलों की तत्बीक के एतबार से भी हकीमाना तरीका अख्तियार करे, दीनी उसूल समाज पर कैसे डाले जाएं और क्या होगा और कैसे लाना चाहिए समाज में एक चीज़ को, इसको भी सोच के चलने वाला हो। आप ऐसे इंसान थे, एक दाई के लिए, एक मुसलिह के लिए, एक समाज की इस्लाह करने वाले के लिए, रिफॉर्मर के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन उस्वा और नमूना है। इसकी एक मिसाल देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अलम तरई अन्न कौमकी लम्मा बनउल कअबा इक्तसरु अन कवाइद इब्राहीम, क्या तू नहीं देखती, बीवी आपकी बहुत चहीती बीवी है और आप देखिए बीवी से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में मर्द के साथ साथ दीनी मामलात में गौर व फिक्र की तालीम औरत को भी दी गई है। एक नबी है, वो ये नहीं कह रहे हैं औरत तो हकीर है, उससे क्या बात करना दीन की, उससे समाजी मामलात में कुछ डिस्कस करने लायक है, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि आपकी सोहबत में, आपकी तरबियत में आपकी बीवियां भी बड़ी ज़हीन थीं और ख़ुसूसन
आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आप अपनी बीवी से डिस्कस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं देखो तुम नहीं देखती कि तुम्हारी जो कौम है, इन्होंने जब काबा बनाया था, तामीर की थी, तो उस वक्त में उन्होंने काबे की तामीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो जिन बुनियादों पर काबा तामीर किया, जब कुरैश ने काबा दोबारा तामीर किया नए सिरे से, तो उन्होंने उन बुनियादों से काबा के ढांचे को कम कर दिया जिस पर वाकई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की थी, उसकी बुनियादें घटा दी, हतीम का हिस्सा छोड़ दिया। अब फ़कुल्तु या रसूल अल्लाह, आयशा ने कहा ए अल्लाह के रसूल, अला तरुद्दहा अला कवाइद इब्राहीम, तो ए अल्लाह के रसूल आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बुनियादें थीं काबे की, आप उन्हीं बुनियादों पर क्यों तामीर फिर से नहीं करते, काबा को वापस से सही कर दीजिए जो उन्होंने गड़बड़ की है कुरैश ने। आपने जवाब में क्या कहा, आपने कहा लौला हिदसानु कौमी का बिलकुफरी लफ़ालतु, तेरी कौम अगर अभी अभी कुफर से निकल कर इस्लाम में नहीं आई होती तो मैं ज़रूर करता। क्यों? ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, यानी तेरी कौम अभी मुसलमान हुई है और कौम काबा के सिलसिले में बहुत सेंसिटिव है और ज़्यादा समझ उसमें नहीं है, उसके जज्बात काबा से जुड़े हुए हैं और अभी मुझको गलबा मिला है, अभी तेरी कौम मुसलमान हुई है, अगर मैंने मक्का पर गलबा पाते ही काबा का ढांचा हटा कर उसको फिर से हदम करके तामीर की कोशिश की तो लोगों में तशवीश पैदा होगी, लोग कहेंगे देखो गलबा पाते ही काबा को ढा दिया, कब्ज़ा करते ही मक्का पर क्या किया पहला काम, काबा गिरा दिया, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक गलत न्यूज़ लोगों में फैल जाएगी और बगावत लोग करेंगे, दीन के मामले में शक में पड़ जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे वाकई क्या मकसद था, वाकई क्या चीज़ है। यानी लोग अगर अभी अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए होते तो मैं ऐसा करता, लेकिन लोग चूँकि अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुए हैं उनको ज़्यादा गहराई के साथ दीन की बातें मालूम नहीं हैं और नबी से अभी वो अटैचमेंट नहीं है, नबी के बारे में अभी वो एतमाद पैदा नहीं हुआ है कि नबी की हिकमत और बसीरत के एतबार से इतने ताबे हो जाएं कि ज़रा सा भी खटक पैदा ना हो, अभी वो बात नहीं, अभी अभी तो इस्लाम में आए हैं, सेटल होने दो। तो आपने हिकमत से एक ऐसा काम मुअख्खर कर दिया कि वो काम वाकई था सही था, लेकिन आपने क्या किया, उसको पोस्टपोन किया। क्यों? इसलिए कि कौम इसको समझ नहीं पाएगी, अभी कौम इसको हज़म नहीं कर पाएगी, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, कौम की समझ की सतह अभी इतनी ऊंची नहीं हुई है कि वाकई इस बात को वो बग़ैर किसी तासुब के कंफ्यूज हुए बग़ैर समझ ले, उसके जज्बात को ठेस ना पहुंचाई जाए, काबा के ताल्लुक से उनके जज्बात को ठेस ना पहुंचे, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है कि जिससे इन नए मुसलमान होने वालों के जहन में कोई तशवीश पैदा हो जाए, इनके जज्बात को कोई ठेस पहुंचे। ये दायाना किरदार है, ये हकीमाना बसीरत है कि एक आदमी देखे सामने वाले से ऐसी बात करेंगे तो इसका क्या रिएक्शन होगा, अगर ऐसा मैं अमल करूंगा तो लोगों में क्या रिएक्शन होगा। बहुत सारे लोग इतना दूर सोचने की सलाहियत भी नहीं रखते हैं और अगर सोचते हैं तो अपने आप को पाबंद बनाने का मिजाज न होने की वजह से जो जी में आए करते हैं। मैं क्यों दूसरों के लिए पाबंद बनूं? मैं क्यों दूसरों के बारे में सोचूं? और बाज़ लोग तो जहालत में इसको इखलास के ख़िलाफ़ समझते हैं कि भाई हम लोगों को क्यों देखें, हम अल्लाह को देखेंगे, अल्लाह के दीन को देखें, ये जहालत है। लोगों को देखना पड़ेगा, हाँ ज़ाती नेकियों में लोगों को हम नहीं देखेंगे, लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे,
लेकिन समाजी इस्लाह के अतबार से एक कदम उठाने के बाद समाज पर उसके क्या असरात हो सकते हैं, फ़ायदे की बजाय नुकसान तो नहीं हो जाएगा, लोगों में तशवीश और कन्फ्यूजन तो पैदा नहीं हो जाएगा, लोग बगावत तो नहीं करेंगे। ये सारा देख कर इंसान को, एक कौम के कायद को, एक हाकिम को, एक ज़िम्मेदार को, ये सब सोच के चलना पड़ता है, ये सब सोच के चलना पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूरअंदेश इंसान थे, दूर तक सोच के कदम उठाना, लोगों के मिजाज को पढ़ के कदम उठाना, नतायज को सामने रखते हुए कदम उठाना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक अहम पहलू है, ये भी याद रखने की चीज़ है। हाँ, इसमें एक बात ये भी याद रखें कि लोगों की वजह से हम एक अच्छे काम को पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन लोगों की वजह से फ़र्ज़ चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं और हराम चीज़ों को कर नहीं सकते हैं, दीन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, दीन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, हलाल को हराम, हराम को हलाल, सुन्नत को बिदात, बिदात को सुन्नत हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बात याद रखने की ज़रूरी है, वरना कोई आदमी दावत की वजह से सब उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देगा। ये दोनों में फ़र्क करना ज़रूरी है। और आगे आइए, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के बारे में इतना सोचते थे और लोगों के अहवाल की खबर रखते थे, वहीं आपका ये हाल था कि आप हर हाल में समाज में पैदा होने वाली बुराई की रोकथाम के लिए कदम उठाने वाले इंसान थे। आपने कभी भी समाज की इस्लाह के सिलसिले में लापरवाही नहीं की, आपने कभी भी समाज को उसके हाल पर नहीं छोड़ दिया, जाने दो, थोड़े दिन छोड़ दो इनको, बल्कि कोई खुराफात, बुराई उनमें अगर पैदा हुई तो आप फौरन उसकी इस्लाह करते थे। और आपके नज़दीक समाज की इस्लाह, समाज में आने वाली गंदगी से उस समाज को पाक करना, लोगों के जहनों में बातिल अफकार पैदा होने पर फौरन उनकी तरफ लपक कर उनके जहनों को साफ़ करना, आपके मिजाज में इतना था, आपको इतनी ज़्यादा फिक्र थी कि आप हर हाल में इसकी फ़िक्र करते थे, आप इस बारे में इतने हसास थे कि आपके घर में जनाजा है और आपके घर में गम का हाल है, लेकिन उस हाल में भी आपने इस ज़िम्मेदारी से अपने आप को सुबकदोश नहीं पाया, इस ज़िम्मेदारी से आपने जान नहीं छुड़ाई, आपने इसको नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि आपने ऐसे कठिन मरहले में भी अपनी इस ज़िम्मेदारी को याद रखा। बहुत सारे लोग, अगर कोई दुनियावी टेंशन हो तो दावती ज़िम्मेदारियों को पसे पुश डाल देते हैं, जाने दो, अपने मसाइल हल करो भाई, दूसरों का क्या है, कौन अपने काम आने वाला है, अपने मसाइल कोई हल करता है, पहले अपना देखो। लेकिन वाकई जिस इंसान को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो, खुशी, गम, राहत, तकलीफ़, हर हाल में वो अपनी ज़िम्मेदारी पर निगाह रखता है, वो लोगों के एतबार से रिएक्शनिस्ट नहीं होता है कि कोई मेरा नहीं सोच रहा है तो मैं किसी का क्यों सोचूं, या जाने दो अभी बाद में देखेंगे, नहीं, लापरवाही नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी हर हाल में पूरा करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, कसफ़ति शम्सु अला अहदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम माता इब्राहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम का जिस दिन इंतकाल हुआ, उसी दिन सूरज ग्रहण भी हो गया, मदीने में सूरज ग्रहण हो गया। कौन सा दिन? आपके बेटे इब्राहीम की वफ़ात का दिन। फ़क़ाल अन्नास कसफ़ति शम्सु लिमौति इब्राहीम, लोगों में चर्चा होने लगा, लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे, देखो आज गहन हुआ है, क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ, ये बहुत गम की बात है, तो देखो आज गहन हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि किसी बड़े इंसान की वफ़ात हुई तो गहन होता है,
तो मदीना में भी कुछ लोगों ने कहा कि देखो आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की वफ़ात हुई है तो आज गहन हो गया, देखो कितनी गम की बात है कि आसमान में भी अंधेरा छा गया है, आसमान भी इस पर मातम कर रहा है गोया के। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि ऐसा ऐसा लोग सोच रहे हैं, ऐसी ऐसी बात लोगों में हो रही है, आपने नहीं सोचा बाद में देखेंगे, बल्कि आपने उस मौके से लापरवाही किए बगैर उस मौके का इस्तेमाल किया और फौरन आपने लोगों से कहा فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته। ऐ लोगो, सूरज हो या चाँद हो, किसी इंसान की मौत या किसी की पैदाइश की वजह से नहीं होते हैं कि कोई अच्छा इंसान मर गया तो सूरज गहन या चाँद गहन हो जाए, या कोई बुरा इंसान पैदा हुआ मनहूस समझकर उसकी वजह से गहन हो जाए, किसी की पैदाइश या किसी की मौत पर सूरज या चाँद गहन नहीं होता है। फ़ैदा रअयतुम फ़सल्लु वद्दुल्लाह, जब तुम ये देखो तो तुम क्या करो, तुम नमाज़ पढ़ो और अल्लाह को याद करो। अरे एक रिवायत में आपने कहा बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है जिसके ज़रिए से लोगों को डराता है, यानी क़यामत का दिन आने वाला है, इदा शम्स कुवरत, कि जिस दिन सूरज लपेट दिया जाएगा, सूरज अपनी अपना नूर खो देगा, सूरज अपनी आबोताब खो देगा, एक दिन आने वाला है। सूरज गहन ये हमको याद दिलाता है क़यामत का दिन आने वाला है जिस दिन सूरज लपेट के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो उस दिन की याद दिलाने के लिए होता है, किसी की मौत और ज़िंदगी की वजह से नहीं। तो तुम तैयारी करो जब तुमको याद दिलाया जाए, तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, सदकात करो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो, गिड़गिड़ाओ अल्लाह से। तो ये इसलिए होता है, किसी की मौत और ज़िंदगी का ताल्लुक नहीं है। तो आपने इस बड़े वाक़े को अपने साथ जुड़ने भी नहीं दिया कि लोग ये गलत फहमी इस गलत फहमी मुबतला हों कि देखो नबी कितने अजमत वाले, नबी का बच्चा कितना ऊंचा कि इसकी मौत पर सूरज गहन हो गया। आपने इस बात को चलने नहीं दिया, आपने इसको भी तोड़ दिया, आपने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, किसी की ज़िंदगी मौत से इसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक अल्लाह की निशानी से है। तुमको याद दिलाना चाहता है जन्नत जहन्नम, तुमको याद दिलाना चाहता है क़यामत। तो तुम अपनी तैयारी करो। ये बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी अजमत को अपने साथ जुड़ने न दे, खुसूसन झूठी बातें जो उसके साथ जुड़कर उसकी अजमत को और बढ़ाते हों, वो उनकी नफ़ी करे, उनको रद्द कर दे। ये बहुत बड़ी मिसाल है कि एक मुबल्लिग, एक दाई हर हाल में अपने मकसद को याद रखे। वो अपने घर में तकलीफ़ और गम के वाक़े में भी अपनी ज़िम्मेदारी को याद रखे। वो समाज के सिलसिले में, समाज की इसलाह के सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारी को इतना याद रखे कि वह अपने पर्सनल मसाइल में भी ज़िम्मेदारी को न भूले। वह गम के हाल में भी अपने अपने फरीज़े को याद रखे, वह अपने आप को बैलेंस रखे, वह अपने दुख को अपने तक रखे, लेकिन अपने मकसद को अपने गम और अपनी तकलीफ़ पर तरजीह दे। ये इस बात की मिसाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी पावरफुल शख्सियत थी, और ये कोई हल्का आदमी नहीं कर सकता है, ये ऐसा आदमी कर सकता है जो लोहे से ज़्यादा सख्त मिजाज वाला हो, जिसमें मजबूती हो, जिसका कैरेक्टर एकदम स्ट्रांग हो, जो कच्चा पक्का नहीं हो बल्कि एकदम मजबूत हो। और यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही मजबूत और पुख्ता किरदार के मालिक थे। जो हदीस मैंने बयान की इसको इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें तो आपने इन मिसालों में देखा कि कहीं कोई आपके बारे में कह रहा है कि जो अल्लाह चाहे आप चाहें, यानी आपकी चाहत की इतनी कदर उन लोगों के पास है, जो आप चाहें, आप जो चाहेंगे वो होगा, चाहे कायनाती इतबार से हो या
इंसानी फ़ैसलों के एतबार से हो। अल्लाह आपकी चाहत को पूरा करता है और आप हुक्म दें जो आप चाहेंगे हम करेंगे। आपके बारे में इतना तकद्दुस, इतनी अजमत कि आपके घर में एक गम का वाकया हो रहा है तो कायनात में उसके असरात मानने के लोग तैयार हैं कि आपके घर के गम का आसमान में असर है। इतना मानने वाले लोग जिसको मिल जाते हैं वो उन लोगों को अपनी दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, वो इन लोगों को इनका खून चूसने वाला बन जाता है, इनके माल इनकी इज्जतें उसके कदमों में आ जाती हैं, वो उनसे लेता है और अपनी जेब भरने वाला बन जाता है। कितने समाज के मुस्लिहीन समाज की इस्लाह की बजाय पीर बन के बैठ जाते हैं, बड़े बन के बैठ जाते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं और अपने ओहदे ऊंचे करते चले जाते हैं। वो समाज की कब्र पर अपनी कामयाबी की इमारत तामीर करते हैं। कितने लोग होते हैं जो बड़े बनते हैं तो सबसे पहले जिन्होंने उनको बड़ा बनाया उन्हीं को लूट लेते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने घर भरते हैं उनको, उनको उरियान करके, उनको आरी करके। ऐसे कितने लोग समाज ने देखे हैं जिन्होंने झूठा भरम देकर समाज को लूटा, बड़े बड़े वादे करके उनको धोखा दिया, उनकी दुनिया भी ख़राब की, उनका दीन भी ख़राब किया और कितनों की इज्जत ख़राब की। किसी की अकीदत जब वाकई इंसान के दिल में आती है तो उसके लिए अपना सब कुछ निछावर करने के जज्बात अपने आप उसमें पैदा हो जाते हैं। और एक बड़ा समाज जब किसी को इस तरह से अपने सर पर बिठाता है तो उस समाज को अपनी तरक्की के लिए जीना बनाता है, उस समाज के सर पर पांव देके वो ऊपर चला जाता है, वो समाज को अपनी तरक्की के लिए जीना बनाता है, वसीला और ज़रिया बनाता है। उसके सामने अपनी तरक्की होती है, समाज को धोखा वो देता है। और एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक ऐसा समाज है जो आपके बारे में इतनी अकीदत रखता है, आपकी इतनी ताज़ीम करता है, आपको इतना बड़ा मानता है, आपके बारे में इतने बड़े बड़े अकीदे उसके हैं, आपके लिए माल तो क्या जान निछावर करने के लिए तैयार है, इशारा तो कीजिए। ऐसे लोग कि आपको तीर न लगे इस ख्याल से आपके सामने खड़े हो जाएं कि कोई तीर आकर लगे तो वो मुझे लगे, नबी को नहीं, वो तीर मेरे सीने के पार निकल जाए, वो नबी को खराश भी न लाए। ऐसे लोग समाज में हैं। बताइए जिसको ऐसे लोग मिल जाएं उसकी दुनिया कैसी चमकने लगती है, उसके पास क्या कुछ नहीं होता है। कितने लोग हैं कि जो लोगों की गुर्बत के बावजूद उनका सब कुछ ले लेते हैं और उनकी अमीरी बड़े बड़ों में गिनने जाने लायक हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल था। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला की निगाहें, उनका मुशाहदा आप खुद देखें क्या है। एक लंबे वाक़े में जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों से कुछ मामला हो गया और मदीना में ये बात मशहूर हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़ होकर अपनी बीवियों को तलाक दे दी। ये लोगों की गलत फहमी थी, बात बनते बनते कुछ और बन जाती है, समझने वाले कुछ और मफहूम निकाल लेते हैं। तो ये मशहूर हो गया कि आपने तलाक दे दी, हालांकि आपने तलाक नहीं दी थी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बहुत ही करीबी इंसान थे, कई बार इजाज़त की कोशिश की, इजाज़त लेने की कोशिश की अंदर घर में जाने की, और घर के बाहर बैठा हुआ बच्चा नौजवान बार बार अंदर देखता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देते कि नहीं देते हैं।
और बार बार उमर रदी अल्लाह तआला से कहता नहीं अभी इजाज़त नहीं मिली है। बार बार उमर रदी अल्लाह तआला इजाज़त मांगते रहे, यहाँ तक कि इजाज़त आपने अंदर आने की दी। बहुत गु़स्से में आप थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ थे, और ऐसे वक्त में आदमी समझाने वालों से भी चिढ़ता है और वक्त भी नहीं होता है कि वाकई उस वक्त में फ़ौरन समझाया जाए, जबकि उसकी गलती ना हो, दूसरों की गलती हो। अब बहुत सारे लोग समझा दे किसको हैं, जिसकी गलती नहीं है उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, अपने घर में लेटे हुए थे, उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला ने पूरा वाक़या और मंज़र बयान किया है। कहते हैं फदखलतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुत्तजिउन अला हसीर, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में दाखिल हुआ, आप अपने बोरिए पर लेटे हुए थे। किस चीज़ पर लेटे हैं? गद्दे पर नहीं, बोरिया, अनाज का जो बोरिया होता है, इस तरह का बोरिया। उस ज़माने में बोरिया इस्तेमाल करते थे लोग, रस्सियों से बंधा था। आप बोरिए पर लेटे हुए हैं, हसीर पर लेटे हुए हैं। फजलस्तु फअदना अलैहि इज़ारहु, आप के पास जाकर मैं बैठ गया। फअदना अलैहि इज़ारहु, तो आप पर इज़ार थी और आपने उसको समेट लिया। वलैसा अलैहि गैरुहु, आप पर जो ज़्यादा से ज़्यादा लिबास मैंने देखा वो क्या था? आपकी इज़ार थी, आप पर कमीज नहीं था, आप कमीज पहने हुए नहीं थे। वलैसा अलैहि गैरुहु, आप पर इज़ार के सिवा कोई लिबास नहीं था, बस आप तहबंद लुंगी पहने हुए थे और आप लेटे हुए थे, कमीज़ भी नहीं पहने हुए थे। वइदल हसीरु कद अस्थरा फ़ी जम्बैही, जम्बी ही, आप करवट पर लेटे हुए थे और आपके बदन पर उस बोरिए की सख्ती की वजह से निशान उठ रहे थे। वो बोरिया इतना सख्त था जिस पर आप लेटे हुए थे, क्या आप बग़ैर कमीज़ के लेटे हुए थे तो आपके बदन पर उस बोरिए के निशानात दिखाई देते थे। फ़नज़रतु बिबसरी फ़ी ख़ज़ानतिही, फ़ी ख़ज़ानति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाके बैठ गया खामोश चुपचाप, नबी लेटे हुए हैं और ये नज़दीक जाकर बैठ गए और जाते ही बात नहीं की। देखा है नबी नाराज़ हैं सबसे, तो फौरन बात नहीं करना चाहिए, जाके बैठ गए। और बैठे बैठे घर में एक आम इंसान की आदत होती है, कहीं भी जाता है तो निगाह घर के मामलात पर डालता है। उमर रदी अल्लाह तआला ने घर में निगाह दौड़ाई, किसका घर है? उस शख्सियत का घर है जिसके इशारे पर लोग अपनी जान माल सब कुछ ला के कदमों में डालने के लिए तैयार हैं। बड़ी बड़ी हुकूमतें जिसके रहमो करम पर हैं, बड़े बड़े बादशाह अपनी हुकूमतों को बचाते हैं और हदीये भेजते हैं। देखा कि जिस्म पर निशान बने हुए बोरिए से, और कहते हैं मैंने घर पे घर के कुल असासे पर दीवारें ये वो छत सब घर का पूरा जायज़ा लिया। कहते फ़नज़र तो भी बस हरीफ़ ही ख़ज़ानती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सारे ख़जाने पर, घर के सारे असासे पर, जो कुछ घर में था चीज़ों पर निगाह डाली। फ़ाइदा अना बेकब्ज़तिम मिन शईरिन नहवि सा, मैंने देखा कि एक कोने में एक सा तकरीबन 2.5 किलो जौ पड़ा हुआ है, बस जौ रखा हुआ है कोने में एक सा के बकदर। व मिसलिहा क़र्ज़न फ़ी नाहियतिल ग़ुर्फ़ा, और दूसरी तरफ घर में कुछ चमड़े पड़े हुए हैं, क़र्ज़न फ़ी नाहियतिल ग़ुर्फ़ा, दूसरे कोने में पड़ा हुआ है। व इदा अफ़ीक़ मुअल्लक, और एक पानी पीने के लिए
मशकीज़ा एक जगह लटका हुआ है। قال فابتدرت عيناي, कहते हैं कि मेरी आँखें भर आईं। قرضًا, قرض के माना असल में जो एक किस्म का वहाँ पर घास होती है उससे घिस के यानी काम लिया जाता है, इस्तेमाल उसको करते हैं, घास वहाँ की इस्तेमाल करते हैं, قرض चमड़े वगैरह की सफाई के लिए या बाज़ बर्तनों की भी सफाई के लिए, चीज़ों की सफाई के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं कि फबतदरत आईना, मेरी आँखें भर आईं, मेरी आँखों से आंसू निकल आए। قال ما يبكيك يا ابن الخطاب, आपने कहा ऐ इब्न खत्ताब क्या बात है, क्यों रोते हो, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, रो रहे हो, क्यों आंखों से क्यों आंसू आए, क्या बात है। ما يبكيك يا ابن الخطاب, ए खत्ताब के बेटे, ए बहादुर, खत्ताब का बेटा है ये तो, बड़ा मज़बूत आदमी है, शैतान इससे डर के भागता है, इतना सख्त है कि लोग डरते हैं, दुश्मनों पर इसकी धाक है, बड़ा सख्त दिल माना जाता है, मज़बूत आदमी माना जाता है, जंग के मैदान का शहसवार है, हिम्मत वाला है, आंखों से आंसू, ऐ इब्न खत्ताब क्यों रोता है। माँ युबकी का इब्न खत्ताब, ए खत्ताब के बेटे क्या चीज़ है जिसने तुझको रुला दिया। कहते हैं कुल तो या नबी अल्लाह वमा लि अला अबकी, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, मैं क्यों ना रोऊं, कैसा ऐसा कैसा हो सकता है मेरी आंखों से आंसू ना निकले, मैं क्यों ना रोऊं। وهذا الحصير قد اثر في جنبك, ये बोरिया इस पर आप लेटे हैं जिसका हाल ये है कि इसका असर आपके बाजुओं पर आ गया है, इस पर आप लेटते हैं, ये आपका बिछौना है, मैं देख रहा हूं इसको कि आपका बिछौना कैसा है, ऐसा सख्त बिछौना इससे पहले नहीं देखा है, ऐसा सख्त बिछौना आपका जिस पर आप लेटे हैं कि आपके बदन पर उसके असरात हैं, इस पर आप सोते हैं। وهذا الحصير قد اثر في جنبك وهذه خزانتك لا ارى فيها الا ما ارى, और ये आपके घर में इतना खाने पीने की चीज़ें इसके सिवा और कुछ नहीं आपके पास, आपके घर में इतना यही बस और कुछ नहीं, इसके सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझको, आपके घर की कुल कायनात ये चीज़ें हैं, ये आपका घर है, ऐसा रहते हो आप, क्यों नहीं रो मैं। वह अंत रसूलुल्लाह, और आप अल्लाह के रसूल हैं, वह सफवत हो, आप अल्लाह के चुने हुए हैं, आप आम आदमी नहीं हो, आप आम आदमी नहीं हो, आप आम इंसान नहीं हो, आप अल्लाह के रसूल हो, इतना हाई लेवल का इंसान, आप अल्लाह के सफवा हो, वह सफवत हो, आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हो, आम इंसान नहीं, आपको किसी इंसान ने नहीं चुना है, आपको अल्लाह ने चुना है, जिसके खजाने में कोई कमी नहीं, जो मखलूक को अनाज देता है खाने के लिए, आपके घर में जौ पड़े हुए हैं, जो मखलूक को बेहतरीन लिबास देता है, आप बग़ैर कमीज़ के अपने घर में लेटे हो, आपके बिछौने का ये हाल है, जिसने मखलूक को सब कुछ दिया है, खाना पीना लिबास सवारियाँ घर, वो अल्लाह है, सबको वो देता है और आपके पास कुछ भी नहीं, आप अल्लाह के रसूल हो, आपके पास ये क्यों नहीं है। अगर ज़्यादा हकदार कोई है तो आप हैं, आप राहत के हकदार हैं, इतने अच्छे इंसान, अच्छे हाल में तो आपको होना चाहिए। وانت رسول الله وصفوته, अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के मुंतखब चुने हुए बंदे हैं। और एक रिवायत में कहा, और इस रिवायत में भी है कि वज़ाक कैसर व किसरा,
فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ، اور اللہ کے رسول ایک طرف تو آپ کا حال ہیں اور ایک طرف وہ بادشاہ ہیں، قیصر ہے، کسرا ہے، دنیا دار لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا مال کھاتے ہیں، قیصر کسرا گناہوں میں لت پت ان کی زندگی ہے، شرابوں میں، خمار میں وہ جی رہے ہیں، ظلم و زیادتی کے ساتھ لوٹ کھسوٹ میں ملوث ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اور وہ ہیں اتنے برے ہونے کے باوجود، اتنے ظالم ہونے کے باوجود وہ باغوں میں اور نہروں میں گھوم رہے ہیں، ان کی زندگی باغوں کی راحت میں، نہروں کی آڑ میں جی رہے ہیں، اس میں گزر رہی ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہو کے آپ اتنی تکلیف میں، اتنے اچھے انسان اتنی تکلیف، اور وہ اتنے برے انسان اتنی راحت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، فقال ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، الا ترضى ان نكون لنا الاخره ولهم الدنيا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا ہو؟ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ دنیا میں ہم کو نہیں ملا کوئی بات نہیں، دنیا میں ہم فقر و فاقے میں، تنگی میں، تکلیف میں جی لیں گے، ہم کو آخرت مل جائے، کیونکہ اصل آخرت ہے، اصل دنیا نہیں ہے، اگرچہ میں نبی ہوں لیکن آخرت کی امید اصل ہے، دنیا اصل نہیں، یہ ختم ہونے والا فانی ہے، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہو جائے اور ان کے لیے دنیا ہو جائے؟ الا ترضى ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہو جائے اور ان کے لیے دنیا؟ عمر کہنے لگے، قلت بلا، ہاں اللہ کے رسول، ہاں یہی بات ہے، ہمارے لیے آخرت ہو جائے اور ان کے لیے دنیا ہو جائے، ہم کو دنیا نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن ہم آخرت نہیں کھو سکتے ہیں، دنیا کسی طرح سے کٹ جائے گی، زندگی آج ہے کل نہیں ہے، کچا پکا کھا لیا، پھٹا پرانا پہن لیا، بوریے پر سو لیے، لیکن دنیا گزر جائے گی، اصل آخرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام کا غلط استعمال نہیں کیا، آپ نے اپنی نبوت اور رسالت، اپنے حاکم ہونے، لوگوں کا مقتدا ہونے، لوگوں کی عقیدت سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ آپ نے جہاں لوگوں نے مجاہدہ کیا آپ نے ان سے آگے بڑھ کر مجاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اتنی مقدس شخصیت ہیں کہ اگر آدمی اپنی جان آپ کے لیے نچھاور کر دے تو اس نے کم چیز بڑے کے لیے پیش کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اتنی آپ سے محبت کرتے تھے کہ اگر میدان جنگ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر سارے تیر اپنے سینے پر لے لیں اور نبی محفوظ رہے تو اس اپنی کامیابی کا ذریعہ مان لیتے تھے۔ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنا صحابہ کے لیے ایک ایسا خواب تھا کہ اگر یہ پورا ہو جائے تو اس سے زیادہ ان کے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں تھی۔ ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ایسے رسول ہم کو ملے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اس طرح سے گزار دی، سادگی کے ساتھ، زہد کے ساتھ، فقر و فاقے کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، مشقت اور مجاہدے کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شکایت نہیں کی، کسی کی شکایت نہیں کی۔ کوئی انسان اگر لوگوں کی فلاح کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے لیے اپنے اوقات کو وقف کرتا ہے اور بدلے میں سماج اس کو کچھ نہیں دیتا ہے، تو ایسا آدمی بدظن ہو کر اپنے کام چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھ کو کوئی سراہتا نہیں ہے، میرا کوئی تعاون نہیں کرتا ہے، تو مقصد کی اس کے نزدیک کوئی قیمت باقی نہیں رہتی ہے۔ ہاں اگر سماج اس کو بدلے میں کچھ دیتا ہے، سماج اگر بدلے میں اس کو سراہتا ہے، سر پہ بٹھاتا ہے، اس کی جھولی بھرتا ہے،
तब जाकर आदमी वाकई अपने मकसद से जुड़ा रहता है। ये छोटे इंसान की सोच होती है। बड़ा इंसान वो होता है कि वाकई उसकी तंगी और तकलीफ़ पर कोई आकर उसको समझाए क्या है ये, तो वो उस आने वाले का भी जहन तब्दील कर दे और उसको बताए कोई बात नहीं है, हमको आखिरत के लिए जीना है, हम दुनिया की किल्लत को अपने मकसद में रोकने वाली चीज़ नहीं बनाएंगे, हम अपने मकसद पर बाकी रहेंगे, हमारा बदला दुनिया में नहीं, हमारा बदला आखिरत में है। ये ऊंची सोच का आदमी ही कर सकता है। जिस आदमी के सामने दुनिया की ज़ैब ज़ीनत हो, जिस आदमी का मकसद दुनिया हो, वो आदमी इस ऊंची सतह को कभी भी नहीं छू सकता है जिस सतह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम और तरबियत से सहाबा को भी ऐसा ही बनाया था। अल्लाह ताला हमको वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का हक़ अदा करने की तौफीक अदा फरमाएँ। और आप जिस तज़ीम और तौक़ीर और नुसरत के हकदार हैं, हमको उसका हक़ अदा करने की तौफीक अदा फरमाएँ। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो और अल्लाह ताला आप पर दुरूद सलाम नाजिल फरमाएँ। ये हमारी मजलिस थी, इससे आगे कुछ और औसाफ़ हैं, इंशाअल्लाह अगली मजलिस में इस ताल्लुक़ से हम कुछ और बातें देखें। अल्लाह ताला हम सबको दीन का इल्म हासिल करने और उस पर यकीन रखने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अदा फरमाएँ। अकुल कौली हादा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम।